पाकुड़ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री व स्थानीय विधायक आलमगीर आलम ने शहर के कांग्रेस भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम का स्वागत कांग्रेस जिला अध्यक्ष उदय लखवानी समेत अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। पूर्व से निर्धारित किए गए जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान जिला के सभी प्रखंड से बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए और अपनी समस्याओं को लेकर मौके पर मौजूद मंत्री आलमगीर आलम को आवेदन सौंपा। वहीं आवेदन पर गौर करते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि समस्या को लेकर अधिकारियों से बात की जाएगी और जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। गाँव के जाने के बाद उन लोगों ने इंट्री हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई सूचना नहीं मिला। उसको भी हमको देखना था कि जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए थे वो कार्यक्रम हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी है कि हम झारखंड का मंत्री होने के नाते पूरे जिला में जो भी लंबित काम पड़ा हुआ है, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे कल्याणकारी योजना के काम हो, ये सारे काम में प्रगति क्या है उसको देख रहे हैं। और कृषि क्षेत्र में जो ज़्यादा उपस्थित है, कौन लोग ज़्यादा उपस्थित है, उसे लोगों को चिन्हित करके उसको आगे जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के द्वारा ये सभी मंत्री का एक लक्ष्य मिला है कि सभी जिला में घूम घूम करके जनता दरबार लगाकर जनता का हित का काम आप लोग करें। उसी के हमारी पार्टी जो है चाहती है कि जनता का एक काम हो। अभी सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम हम लोग चलाए थे जो 15 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक उनको चलाने के काम किए थे सरकार आपके द्वारा। वो कार्यक्रम में बहुत ढेर सारे आवेदन मिला था, लेकिन यहाँ पर कुछ आया है आपका जो ब्यूटिशियन वाला केस, जमीन संबंधित बहुत सारी मामला यहाँ पर हमारे सामने आया है। सड़क का भी आया है, पेयजल का भी आया है। दूसरा है कि बहुत आदमी जो आवेदन दिया था उस आवेदन का अभी तक पालन हुआ कि नहीं हुआ, उसका उसका सुविधा नहीं मिला, उसके लिए भी आया है। तो सारे बिंदुओं को हम लोग विभाग वाइज चिंतन करके विभाग के सभी पदाधिकारी को बुलाकर उसको पूरा अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।